कोनो काम ही ना आएगा। सोवियत रूस से लेके जिपनिंग से लेके चीन से लेके पूरा राहुल की यात्रा से लेके कुल अमित शाह तक और अरविंद केजरीवाल तक बोले हैं और घरे सब्जी न लगी है। क्या फायदा इससे? आप यही बैठो भी गीता पे वार्ता करो, रामायण पे वार्ता करो, अच्छी बात करो। हाँ ये कहो कि देखो उसके यहाँ एक आयोजन है, हम सब लोग कर वहाँ सहायता करें, वहाँ व्यवस्था करें, वहाँ दरी बिछाएं। हाँ देवियाँ चली वहाँ बेलाई देई पूरी। अब वह झंझट खत्म, बेलावाऊ वाले आवत हम लोगों के यहाँ तो अब कुल का खत्म, कोई नहीं बेलाता होला। सब आप नहीं चकुआ बेलना लेके जाए, सब चकुआ बेलना लेके जाए बेला, और सब मामले खत्म। अब तो सारे हम तो अभी एक परिवार में गए थे, पूरे गांव में सिल खत्म, सिलाई नहीं थी कहीं, सब कोई मिक्सी वाला, क्या कहते हैं उसको, मिक्सी 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 दूसरा चीज है और मिक्सी दूसरा चीज है, दोनों दो चीज है, एक कपड़ा है एक मशीन है ना, पूरे में ही बात है। तो मैंने आपसे निवेदन किया आप जरा गहराई से देखना, तो शास्त्रकारों ने कहा मन गुण करई कपट तक, और अगला मंत्र है जाप मम, जो मंत्र आपके पास हो दृढ़ भी सहवासा, पंचम भजन है सुवेद प्रकाशा। भगवान का जप, जप करने में चार नियम का पालन करो, जिता सनो जित श्वास जित काम जितेंद्रिय, जितने देर तक जप करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 1 माला करो, 2 माला करो, शुद्ध आसन पे बैठ कर, अच्छे वस्त्र पहनकर, श्वास को केंद्रित करके, इंद्रियों को अनेक जप करता कहा हो। हाँ अवंतिका का अम्मा चाहिए बना, चाहिए ही बनवा या जप ही कर। हाँ कुछ तो आप समझिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपके पास समय है उसको जप करो, ध्यान करो, पूजा करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। छठवा थोड़ा कड़ा है और छठ दम शील विरति बहु करवा, इंद्रियों का दमन, आंखों पे नियंत्रण, कान पे नियंत्रण, जीभ पे नियंत्रण, इंद्रिय दमन है, इसीलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। दना मनो निग्रह, मन का निग्रह, आंख का निग्रह, छोटी है बेटी के छू लो, बराबर के बहन के स्पर्श कर लो, बड़ी है माँ का करके चरणों में नमन कर लो। इसके अलावा इनको वही छू सकता है जिसकी अंक साइनी है, पार्श्ववर्तिनी है, नहीं तो आग की लपट के अलावा कोई नहीं छू सकता। जिन आंखों ने माँ को माँ, बेटी को बेटी, बहू को बहू और बहन को बहन नहीं देखा है, वे कभी वैष्णो देवी का दर्शन नहीं कर पाएंगी, मैहर देवी का दर्शन नहीं कर पाएंगी। आंखों को ठीक करो, जीभ, हाँ जीभ को ठीक करो। हर काम के लिए इंद्रिय दो है काम एक, आंख दुई देखना एक, कान दुई सुनना एक। और एक बात सुना, झूठी खबरों का प्रचार कभी मत करो, एक कान से सुन लो निकाल दो ऐसी खराब बात। किसी से कह रहे थे अभी, करे नहीं। और एक बात बताओ, आवश्यक संदेश जरूर कहो। किसी ने कोई बात किसी से कह दिया, उसको कह देना, उसको कह दो संदेश ना कहने वाला, कान उससे खत्म होते हैं, भरा हो जाता है। पंक्ति भेद करने वाला, एक आंख उससे खत्म होती है। पुस्तक चुराने वाला, अंधा हो जाता गरुड़ पूरा। विजय बहादुर तिवारी टाणा बैठे हैं, इनको पूरा कंठस्थ है गरुड़पुरा। हमारे सुगौटे जी, सुगौटे जी, हम तो आप समझो कम विद्वान ऐसा देखे, पूरी सत्यनारायण व्रत कथा आप अंग्रेजी में और संस्कृत में और हिंदी में, 3 भाषाओं में अगर कोई प्रतापगढ़ में सत्यनारायण कथा कहता है, सुगौटी महाराज कहते हैं 3 भाषाओं में। बाबू जी लक्ष्मी नारायण जी आपको बहुत मानते थे, हाँ क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। और एक बात बताऊं, परिवार में कोई अच्छा हो जाए, लक्ष्मी नारायण जी घर का काम करते करते राजकुमार और बीरेंद्र कुमार को इतनी अंग्रेजी अच्छी बता दिए
कि मूल में कंपनी में अच्छे पदों पे जाने में वो अंग्रेजी आज भी काम करती है। जो इन लोगों के पास है वो उन्होंने शिक्षा दी, लक्ष्मी नारायण जी की देन है। आपको बताऊं ऐसी स्थिति है, नहीं तो आजकल लड़के पूछे बाबू रिटर्न में डबल टी रहे सिंगल, बाबू वही गोल के बेटा ब्रिटेन वाले डबल लिखा थे और अमेरिका वाले सिंगल जॉन लिखा हुआ सर। ये कोई पढ़ाई है, अध्ययन शिक्षा संदर्भ स्वरूप ध्यान से देखना। इसीलिए हमारे यहाँ इंद्रियों का दमन, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। उस सिस्टम नो सिस्टम ना दद्या, उतना ही लो जितना खा सकते हो। अब इसका ध्यान पंडित जयनारायण शुक्ल जी हर निमंत्रण में रखते हैं और टहलते रहते हैं, हाँ देखते रहते हैं, हाँ, जब नहीं खाना था तो क्यों लिए, छोड़ो मत उच्छिष्ट नहीं, हाँ गोग्रास निकालो अलग से, कुत्ते को अलग से दो, वो सब नियम है। थाली में कोशिश करो, जूठा मत छोड़ो देवियों। सुनो एक बात और सुनो, पत्नी पति को खिला करके भोजन करे। जरा दोनों इकट्ठे ही खा रहे थे, हमने कहा अलग अलग खाओ, कहीं जनता ना है गुरु ही बात शास्त्र करना हो, प्रेम बढ़ा थे दोनों में, दुए साल बाद तलाक हो गए दोनों जने। सच्चा प्रेम नहीं बढ़ता भाई, पहले पति को, हाँ भाई ये पति प्रतापगढ़ चले गए, कहीं बाहर चले गए, दूर चले गए, टाइम हो गया तो खा लो उनका ध्यान करके, लेकिन अगर घर ही में है तो अब आप समझो आप उनको खिला के खाओ, हाँ सतवे मत खाओ। हाँ हाथ कभी के हमारी माता जी थी, अब पुराने काल की चश्मा लगाए, अब ये कथा वाचक हम बुलाए, बहुत बढ़िया बनारस को पति पत्नी आए तो दोनों लोग मोजा उजा पहन सब खाने लगे इकट्ठा, हमारा अम्मा आई चश्मा लगाए थे, कहीं कहा भैया कवन कथा कहा, दोनों दिन एक गांठ जोड़ के खा था यार। अरे हमने कहा अम्मा चला बैठा, अरे कहीं कहा बैठी, पुराने लोग बड़े गजब होते थे। तो मैंने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया और उसकी स्थितियों के वर्णन के संदर्भ की व्यवस्थाओं के चिंतन की, वो मर्यादाएं चली गई नहीं है हमारी माता जी एवं 90 महाप्रयाग की, लेकिन हम लोगों का एक संदर्भ आप समझिए, माँ अगर हमारी है तो माता जी के सामने हमने श्रीमती जी से बात नहीं किया, उनसे बात करना तो अलग किया। अब इसको आप अति प्राचीन बात कह सकते हो, बहुत पिछड़ापन कह सकते हो, लेकिन मैं बहुत अगड़ेपन से भी प्रसन्न नहीं हूँ, आप समझो। इसीलिए मर्यादाएं हैं और मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक होता है, उसकी मर्यादाएं हैं। तो छाठा दामाशील विरक्ति बहु कर्मा, ब्राह्मण के कर्म निर्धारित हैं, क्षत्रियों के कर्म निर्धारित हैं, शूद्रों के कर्म निर्धारित हैं, वैश्य का कर्म निर्धारित है, सबका ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव जान, जिसका जो कर्म है उस कर्म को करो, फाउल लाइन फाउल ट्रैक में मत दौड़ो, अपने अपने बड़ा श्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चले सदा पावई सुखई नहीं भय सौ न रोग। अगर सही ढंग से सब अपना अपना काम करेंगे, अध्यापक पढ़ाएगा ईमानदारी से और सेना वाला ड्यूटी करेगा ईमानदारी से, हर कर्मचारी अपनी जगह ठीक से काम करेगा तो सती सेवा संस्कृति पे खतरा नहीं होगा, राष्ट्र विकास करेगा। आज 25 दिसंबर बड़े दिन के दिन आपको बताता हूं, सातों श्रम महिमा जग देखा, सब में परमात्मा को देखो, सब में भगवान को देखो, सब में भगवान की स्थितियों को देखो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गृहस्थ ने सुनचैवा सपाके च पंडिता संदर्शिना। अगर आपको रजाई ओढ़ने की जरूरत है, जो आपकी गाय है, जो आपके घर में पशु हैं, जो आपकी व्यवस्था है, वहां भी आपको बहुत अच्छे सावधान रहते हैं, तो वो सब सारी चीजें रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और आठों जथा, इसको बहुत ध्यान से सुनना, आठों जथा
लाभ है संतोषा। अब आप समझो, जितना आपको मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, किसी के देख के ईर्ष्या मत करो, क्योंकि सबका अपना पात्र है, सबकी अपनी व्यवस्था है, सबका अपना बर्तन है। लहरा रहा है समुद्र में पानी, आप उतना ही भर पाओगे जितना आपका लोटा। दूसरे का हिस्सा आप कभी नहीं पा सकते। आठों जता लाभ संतोषा। बहुत लोग कंपनी में जाते हैं, बहुत लोग काम करते हैं। हमारे गांव में जतुआ का विवेक तिवारी एक लड़का, आप समझो 2.5-3 साल में इतना पैसा कमाया, पूरे विदेशों से उसका संबंध कहां से। और अभी बिजथुआ महोत्सव कराया था, अनूप जलोटा, आप समझो मैथिली ठाकुर, अनामिका अंबर, करीब 30 लाख रुपए उसने खर्च किया और तमाम लोगों की सहायता करता रहा था। अन्य में हमारे यहाँ का बीमार हुआ लड़का एक, उसको 16 करोड़ का अमेरिका का इंजेक्शन लगना था, 1 करोड़ रुपया केवल विवेक तिवारी ने तुरंत अपने खाते से ट्रांसफर कर दिया अनमय लड़के को। मतलब कब कौन कहां कैसे कितना पैसा पाएगा। अरे एक बार एक सज्जन इनको हमको विदाई करने आए, तो मोटरसाइकिल पे इन्हीं में बैठा था, इनको भी पैसा दिए, हमको भी पैसा दिए, इनको 500 हमको 100। महेंद्र तिवारी बदवम फोन किए, गुरु नोटिया गड़बड़ाई, हम तो कह तो गड़बड़ाई गए जे पाए जो लौटाए थोड़े। तो आप समझो, तो कभी कभी कब कहां कैसे, यदस मदीयम नहीं तत परेशान। जिसको जितना जहां जिस समय मिलना है वो मिल जाएगा। अब कोरोना में पूरा 2 साल हम लोगों की पूरी कथा बंद, एक ने नहीं मिला, क्या करोगे आप। हाँ, जब दक्षिणा कथा अच्छी रहती है, चावल दाल रोटी सब्जी तीन तीन बना, पूरे कोरोना में चोखा ही से काम चला। आमदनी घट गई भाई, तो व्यवस्था भी नहीं घट जाएगी। तो मैंने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, आठों जठा लाभ है संतोषा। संतोष, अच्छा संतोष इतनी अच्छी चीज है कि व्यक्ति के जीवन के 3 शत्रु हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। काम कहां से आता है, क्रोध कहां से आता है, लोभ कहां से आता है। लोभ जब आएगा दाहिनी ओर से आएगा, दाहिना हाथ काउंटर पे बढ़ेगा, लोभ दाहिनी ओर से आएगा। और काम, यही के एक परम बल नारी, काम का स्त्री का स्थान बाया, बामांग मायाम तदा तदीयम। और क्रोध सामने से आएगा, गर्जत तर्जत सन्मुखावा, तब लंकेश क्रोध कर खावा। तो कोई ऐसा शस्त्र है जो 3 शत्रु को एक साथ लड़ ले, सामने वाले को ही मार दे, बाएं वाले को ही मार दे, दाएं वाले को मार दे। क्या है बेटा अवंती, क्या? हाँ, बहुत अच्छा इसने बताया। करी कृपाण, लो 100 रुपया, एक तलवार है एक कृपाण। अवंतिका के लिए आप तालियों की गड़गड़ाहट से आप समझिए इसका अभिनंदन करेंगे। इसने बताया कृपा, तो इस संतोष कृपाण है। बिरते चरम संतोष कृपाना। कृपाण और तलवार में अंतर है। तलवार मानियो तल पे वार करे, और तलवार ऐसे मारेगा, तलवार तलवार तल पे वार करेगा सीधे, और कृपाण तीन ओर से। सिख लोग 5 चीज रखते हैं, कृपाण, केश, कंघा, कच्छा और कृपाण लेकर।